वेलकम टू द पार्ट 7 ऑफ द जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। इस पार्ट नंबर 7 में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटा टाइप्स। आप जानते हैं कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं, और हमें कोई नंबर लेना होगा तो इंटीजर टाइप का होता है, हमें कोई स्ट्रिंग लेनी होती है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, हमें कोई डेसिमल वैल्यू लेना होता है। अगर आपने सी में देखा होगा, सी प्लस प्लस में देखा होगा, जावा में देखा होगा तो आपने वहाँ पर इंटीजर का यूज़ किया होगा, इंट का यूज़ किया होगा, फ्लोट का यूज़ किया होगा, इसी तरह आपने वहाँ पे स्ट्रिंग कैर का यूज़ किया होगा। ओके, तो इसी तरह हम अब जावास्क्रिप्ट में जो है डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो डेटा टाइप इसको क्या बोलता है? डेटा टाइप इसको बोलता है कि जो आपका वैल्यू जो यहाँ से आ रहा है तो उसका टाइप जो है, उसका कंप्यूटर को मतलब उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि उसका टाइप क्या है। तो आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है डेटा टाइप की मदद से कि ये वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा चला जाएगा, इंटीजर चला जाएगा, स्ट्रिंग चला जाएगा, ठीक है, इसी तरह फ्लोट, इसी तरह डेसिमल, इसी तरह बोलियन, कौन सा डेटा टाइप चला जाएगा इसमें। बेसिकली हम अगर डेटा टाइप की बात करेंगे तो हम अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 10, तो हमने एक 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे x में इंटीजर वैल्यू स्टोर किया। अब C++ जावा में क्या था, उसमें आपको क्या है कि उसमें आपको डेटा टाइप देना पड़ता था कि x जो है ये किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का करेगा, कैरेक्टर का करेगा, या स्ट्रिंग टाइप का डेटा करेगा, फ्लोट। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या है, हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो किस टाइप का है, हमें जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम डेटा इसमें असाइन करते हैं तो ये खुद पता लगाता है कि इसमें ये जो वैल्यू आया ये इंटीजर है या किस टाइप का डेटा है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 7, फिर लिखेंगे हम कॉन्केटिनेट करेंगे प्लस, फिर स्ट्रिंग वैल्यू करेंगे यहाँ पे 7, तो एक हमने यहाँ पे हमने एक वैल्यू जो है x में जो है 7 असाइन किया, और दूसरा वैल्यू जो है ये भी 7 है लेकिन ये एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे x में कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कि आप x में जो भी वैल्यू देंगे वो उसको खुद पता लगाएगा कि इसमें जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से ये किस टाइप का है, तो टाइप ये खुद ही यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेता है। आपको यहाँ पे इंटीजर या कैरेक्टर देने की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद ही असाइन, ये खुद ही इसको जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यू है उसी अकॉर्डिंगली ये खुद ही पता लगाता है कि इसमें डेटा टाइप है क्या। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखेंगे कुछ, अगर आप सपोज यहाँ पे करेंगे लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे विदाउट कोट्स, आप लिखेंगे कि हेलो, तो ये हेलो भी एक वेरिएबल ही है तब तक जब तक आप इसको कोट्स में नहीं रखेंगे। जब मैं इसको कोट्स, चाहे आप सिंगल कोट्स लगाओगे या डबल कोट्स लगाओगे, तो ये एक स्ट्रिंग बन गया। तो x में एक हेलो, एक स्ट्रिंग आ गई, तो इस x का डेटा टाइप जो है खुद ही स्ट्रिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगा कि अगर x में आपने सपोज इंटीजर का इंटीजर वैल्यू दे दिया 5, सपोज 5 दे दिया आपने, इस हेलो के बदले आपने 5 दे दिया, ये एक इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है। तो अगर आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे जैसे सी, सी प्लस प्लस और जावा, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आप इस x में कोई करेक्टर या कोई स्ट्रिंग या किसी और डेटा टाइप का वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो, थ्रू आउट द प्रोग्राम x का वैल्यू जो है इंटीजर ही रहेगा क्योंकि आप वहाँ पे लिखते इंट x। बट यहाँ पे क्या है, आप इसी x में सेम वेरिएबल में आप कुछ भी वैल्यू, चाहे स्ट्रिंग दे दो या कोई और वैल्यू दोगे, सपोज मैं हेलो देता हूँ, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ये भी काम करेगा। तो x में पहले 5 था, अब x में हेलो आ गया, तो ये इसको खुद ही कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे अगर दूसरी चीज़ हम करेंगे कि देखिए, आपने यहाँ पे x में दिया हेलो, तो आपने पहले x को डिक्लेयर किया, यहाँ पे आपने फिर x में दे दिया हेलो, तो ये आपने डबल कोट्स में दे दिया। अगर मैं यहाँ पे दूंगा y इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में दूंगा हेलो, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि मतलब हम स्ट्रिंग को इधर डबल कोट्स में लिखेंगे या हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। बट अब दोनों की क्या ज़रूरत है, देखिए अगर आपको डबल कोट्स के बीच में स्ट्रिंग में एक आपको सिंगल कोट चाहिए तो आप लगा सकते हैं, तो वो भी एज ए स्ट्रिंग ही चली जाएगी, लेकिन आप यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगा सकते। अगर आप यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे तो ये एरर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एल ओ का जो है एरर आ गया। आप इसको अगर कंसोल डॉट लॉग करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग,
एक्स, तो आपको यहाँ पे एरर आएगा। अगर हम इस पेज को रिफ़्रेश करके ओपन करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल में चला जाऊँगा। यहाँ पे कंसोल है, तो मैं कंसोल में चला गया, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनकॉट सिंटेक्स एरर। तो यहाँ पे एल ओ जो है वो कुछ यहाँ पे एरर दे रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अगर आपको बीच में सपोज डबल कोट लगाना है या सिंगल कोट लगाना है, तो आप डबल कोट्स के बीच में सिंगल कोट लगा सकते हैं। अगर आपको डबल कोट ही लगाना है आप यहाँ पे, तो आपको कुछ डिफरेंट कोट्स जैसे सिंगल कोट है तो वो यूज़ करना पड़ेगा बाहर से। तो सिंगल कोट अगर यहाँ से ओपन हो गया, तो उसका क्लोजिंग जो है यहाँ पे है, डबल कोट बीच में स्ट्रिंग के साथ ही कैरेक्टर माना जाएगा। बट यहाँ पे ये भी रास्ता है कि हम चाहेंगे तो सपोज अगर हम सिंगल कोट यहाँ पे लगाएंगे तो तब भी एरर आएगा, क्योंकि सिंगल कोट यहाँ से स्टार्ट हो गया और सिंगल कोट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि ये सिंगल कोट बाहर से भी हो और बीच में ये एज ए स्ट्रिंग आए, तो आपको बैक स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बैक स्लैश का यूज़ किया, अब मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब कोई एरर नहीं आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया गया, तो ये सारा एज ए स्ट्रिंग ही प्रिंट हो गया। सिमिलरली आप डबल कोट्स भी ऐसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे, यहाँ यहाँ से हम डबल कोट्स लगा रहे थे और यहाँ पे डबल कोट्स की वजह से एरर आ रहा था, तो यहाँ पे लेकिन हमने बैक स्लैश का यूज़ किया, तो अब कोई एरर नहीं आएगा डबल कोट्स में। ये डबल कोट एज ए करेक्टर ही प्रिंट हो जाएगा, ये विद इन ए स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको जब रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे हेलो आ गया विद डबल कोट्स। ओके, यहाँ पे जो है ये पहला जो हमने यहाँ पे पहला जो डेटा टाइप डिस्कस किया वो स्ट्रिंग किया, तो स्ट्रिंग को हमने सीखा यहाँ पे कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें अगर कोट्स का भी यूज़ करना होगा वो किस तरह यूज़ करेंगे। तो अब मैं आता हूँ पॉइंट्स पे, डेसिमल पे। तो एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे 37.78, तो ये इसको खुद ही कन्वर्ट करेगा, एक्स को प्रिंट करता हूँ तो ये सीधे प्रिंट हो जाएगा एज ए 37.78। सिमिलरली मैं इसको नेगेटिव वैल्यू में भी दे सकता हूँ, अगर मैं इसको माइनस में लिखूंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू ही इसका प्रिंट करेगा। तो इस तरह भी नेगेटिव वैल्यूज़ भी आप इसमें डाल सकते हो। तीसरे डेटा टाइप पे आता हूँ, पहला तो हमने डिस्कस किया स्ट्रिंग, दूसरा हमने डिस्कस किया नंबर्स। नंबर्स तो आपके पॉइंट्स में भी हमने दिए, या आप सीधे यहाँ पे सपोज यहाँ पे सीधे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 10, तो ये नंबर भी, ये नंबर है इसको खुद ही पता चलेगा कि इंटीजर है, क्योंकि 10 एक इंटीजर नंबर है आपके पास। तो तीसरा हमने दे दिया पॉइंट्स में जो कि डेसिमल है। इसी तरह और एक है यहाँ पे जिसको कहते हैं बोलियन। अगर आपको ट्रू और फॉल्स में अगर आपको आपका रिजल्ट जो है ट्रू और फॉल्स में चाहिए, तो हम उसको किस में डाल सकते हैं, बोलियन में। तो बोलियन कैसे यूज़ करना है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वही। तो यहाँ पे हम सपोज़ एक बोलियन देखिए, ट्रू और फॉल्स, कोई कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, कोई कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो हम उस चीज़ को कैसे लेंगे, सपोज हमारे पास ये कंडीशन है 2 is greater than 3, तो ये फॉल्स कंडीशन है क्योंकि 2 greater than 3 नहीं है। तो अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ ये ट्रू है या फॉल्स है, तो मैं एक वेरिएबल में इसको यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ let x is equal to 2 greater than 3, इसको मैं ब्रैकेट्स में रखता हूँ, तो यहाँ पर एक्स में स्टोर हो जाएगा इधर ट्रू और फॉल्स। इन अवर केस एक्स में क्या होगा स्टोर, एक्स में फॉल्स स्टोर होगा। तो अगर मैं इस एक्स को कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, तो इस एक्स को मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, तो इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे आपका फॉल्स हो गया क्योंकि 2 3 से ग्रेटर नहीं है, 2 इससे छोटा है। तो यहाँ पे अगर आप 21 करते, 21 is greater than 3, तो अभी तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि 21 है 3 से बड़ा है, तो वो एक्स में उसका जो भी रिजल्ट है ट्रू और फॉल्स वो किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स में। और हम उस एक्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, तो इस टाइम यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते तो यहाँ पे आ गया ट्रू। तो ये था तीसरा डेटा टाइप, पहला हमने स्ट्रिंग देखा, फिर नंबर्स देखे, अब हमने देखा बोलियन, और इसके बाद हम देखेंगे एरे। एरे भी एक हमारे पास डेटा टाइप है, एरे को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि एरे किस टाइप का हो सकता है। एरे देखिए, अभी तक हमने किया एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू 5 और लेट एक्स इज इक्वल टू एनी स्ट्रिंग, बट अगर हम चाहेंगे तो एक्स में क्या है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे, सपोज मैं अभी तक हम एक वेरिएबल में एक नंबर या एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे थे, बट मैं चाहता हूं कि मैं इसी सेम वेरिएबल में मल्टीपल डेटा, मल्टीपल जो है
मल्टीपल नंबर्स या मल्टीपल स्ट्रिंग्स जो है वो स्टोर करो इन ए सिंगल वेरिएबल, तो हम एरे का यूज़ करते हैं। तो एरे का यूज़ कैसे हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू, तो एरे का यूज़ हम लॉन्ग ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहला एलिमेंट, सपोज जॉन, ये मैं स्ट्रिंग एरे एक बनाता हूँ जॉन कॉमा दूसरा एलिमेंट, तो यहाँ पे लिखते हैं स्मिथ, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट डालते हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपको डालने होंगे आप डाल सकते हो, एडम। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाई जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं, जॉन स्मिथ और एरे। हम इसके साथ नंबर भी मिक्सअप कर सकते हैं, स्मिथ के बदले हम 5, 10 कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे एडम ही डाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मतलब एक्स के यहाँ पे एड्रेस वाइज सेव रहता है, जीरो एड्रेस पे जॉन है, फर्स्ट एड्रेस पे स्मिथ है और एडम जो है वो सेकेंड एड्रेस पे है। तो ये एक एरे है जो कि एक सिंगल वेरिएबल है, बट उसमें मल्टीपल वैल्यूज जो है वो स्टोर कर पाते हैं। मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए हम एरे के बगैर हम हमारे पास और एक जो है डेटा टाइप जिसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, लेकिन एरे का यूज़ अलग है, हम एरे को किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट को हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास दूसरा जो है डेटा टाइप वो ऑब्जेक्ट है, तो हम इसी एक्स को ऑब्जेक्ट बनाएंगे अभी। तो सपोज़ हम सॉरी हम इस एक्स को नहीं, हम किसी और वेरिएबल को या एक्स को ही, या सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ पर्सन, पर्सन एक वेरिएबल है लेकिन ये हम इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे कर्वड ब्रेसेस में हम लिखेंगे सपोज नेम, हम इसका पहला जो है मेंबर वो डिक्लेयर करते हैं, नेम में आएगा सपोज कोई भी नाम हो, सपोज इसका नाम होगा सपोज जॉन, ठीक है। यहाँ पे हम फिर कामा करके लिखते एज इज टू, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 25, तो हम 25 के टाइम हमें डबल कोट्स देने की या सिंगल कोट्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक नंबर है। तो ये पर्सन जो है ये अपने आप में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है, जैसे हमारे केस में नेम और एज, हम कुछ और भी सेव कर सकते हैं इसमें। तो फिलहाल हमने नेम और एज सेव किया, तो ये पर्सन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके मेंबर्स जो है वो नेम और एज है। तो हमने नेम भी स्टोर किया इसमें, एज भी स्टोर किया इसमें, और हम और भी चीज़ें इसमें स्टोर कर सकते हैं, तो इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये मुझे बताना था कि हम एक ऑब्जेक्ट में भी, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास एक डेटा टाइप है जो कि हम खुद से डेटा टाइप, अपना डेटा टाइप बना रहे हैं, और उसमें हम डिफरेंट जो है डिफरेंट वैल्यूज सेव कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल में। तो सिमिलरली यहाँ पे हम हमारे पास और एक डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं अनडिफाइनड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट एक्स, हमने एक्स में कोई वैल्यू ही नहीं डाला, लेट एक्स लिखा, एक्स में कुछ भी नहीं लिखा। अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ये एरर नहीं देगा बट ये अनडिफाइनड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, तो यहाँ पे एक्स को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं बट हमने एक्स में कोई वैल्यू ही नहीं दिया, तो ये इस टाइम अनडिफाइनड है। तो हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश अगर करेंगे तो ये दिखाएगा अनडिफाइनड, कोई एरर नहीं आया बट ये अनडिफाइनड, इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दिया। तो अगर हम इसी एक्स में करेंगे इज इक्वल टू लेकिन ब्लैंक डालेंगे, इधर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, हमने स्पेस भी नहीं इसमें डाला, हमने कोई कैरेक्टर भी नहीं इसमें डाला, हमने इसको नल भेज दिया। तो इस केस में ये अनडिफाइनड नहीं है, इसमें कुछ पहले भी इसमें कुछ नहीं था लेकिन इसमें हमने इज इक्वल टू करके कुछ लिखा लेकिन अब भी इसमें हमने कुछ कोई वैल्यू एंटर नहीं किया, तो ये इस केस में अनडिफाइनड नहीं है, इसमें है नहीं कुछ बट अनडिफाइनड भी नहीं है। तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे, इसमें नल वैल्यू है लेकिन अनडिफाइनड नहीं है उस केस में जब हम कुछ भी नहीं देते हैं एक्स इज इक्वल टू, जो जब हम इसको असाइन भी नहीं करते, अभी हमने असाइन किया इसमें नल, बट हम अगर इसमें असाइन कुछ भी नहीं करेंगे तब ये अनडिफाइनड है। अगर हम असाइन इसको नल ही करेंगे, मतलब ये भी कुछ नहीं असाइन करता है बट ये अनडिफाइनड नहीं है। हमें अगर किसी चीज़ का डेटा टाइप जो है वो कन्फर्म करना होगा, सपोज हमने लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू 10, हमें इस 10 का, हमें पता है कि इंटीजर है बट हम चाहते हैं कि ये एक्स जो है ये 10 जो है इसका टाइप हमें पता चले, तो हम उसके लिए एक कीवर्ड यूज़ करते हैं टाइप ऑफ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप ऑफ TYPE टाइप ऑफ, तो टाइप ऑफ 10, ठीक है। तो अभी एक्स में जो है 10 का जो डेटा टाइप है, मतलब इसका डेटा टाइप इंटीजर है, नंबर है, तो वो एक्स में स्टोर होके प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये हमें बताएगा अभी कि इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। तो अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ गया नंबर, तो एक्स में एक नंबर सेव है जो कि 10 है, उसी को हमने एक वेरिएबल में टाइप ऑफ को ले लिया, इसीलिए 10 का जो टाइप है वो एक्स में स्टोर, जो कि नंबर है वो एक्स में स्टोर हो गया और वही नंबर जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको 10 के बदले यहाँ पे लिखूंगा हेलो, तो ये अभी हेलो प्रिंट नहीं करेगा, ये हेलो का जो टाइप है मतलब स्ट्रिंग है, तो वो ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, STRING स्ट्रिंग प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। तो इसी तरह हम ज़रूरी नहीं हम यहाँ पे टाइप ऑफ लिखेंगे,
हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं जहाँ पे हम एक्स को प्रिंट कर रहे हैं। अभी अगर हम इसको सेव करेंगे तो इस केस में तो हमारे पास हेलो प्रिंट होगा, तो ये हेलो आ गया। अब हम यहाँ पे एक्स को यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ, तो अब जो है हेलो प्रिंट नहीं होगा, अब हेलो प्रिंट नहीं होगा, हेलो का जो टाइप है मतलब स्ट्रिंग वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। अब मैं यहाँ पे और एक चीज़ बोलूँगा कि एक्स में हमने सपोज किसी का नाम लिखे, मैं लिखा यहाँ पे JOHN, जॉन लिखा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अलर्ट दे देंगे अभी, ALERT, अलर्ट। तो यहाँ पे अलर्ट में हम लिखेंगे HELLO, हेलो जॉन, बट मैंने अभी वेरिएबल का यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्टली लिखा हेलो जॉन। तो यहाँ पे अभी ये तो पता ही है कि हेलो जॉन लिखा है, तो यहाँ पे हेलो जॉन आ गया। बट मैं चाहता हूँ कि जो एक्स में वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल दूंगा एक्स, बट ये सही तरीका नहीं है। अभी ये हेलो एक्स ही लिखेगा, हेलो जॉन नहीं लिखेगा, बट मैं चाहता हूँ ये हेलो जॉन लिखे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस एक्स। तो यहाँ पे हेलो एक्स आ गया, मैं चाहता हूँ कि एक्स का यूज़ करके जॉन लिखे, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल का यूज़ करना है। तो वेरिएबल तो मैंने लिखा एक्स, बट हमने सही तरीके से यूज़ नहीं किया, तो इसके लिए आप लिखेंगे, इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप लिखोगे हेलो, इसको रखोगे कोट्स में, स्पेस डाल के, स्पेस भी एक करेक्टर है, फिर यहाँ पे लिखोगे कॉन्कैटिनेट करके एक्स। ये तो पुराना तरीका जो मैंने दिखाया था, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ गया हेलो जॉन, ये एक तरीका है। बट मैं चाहता हूँ कि ये प्लस का यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, कॉन्कैटिनेशन का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हेलो के अंदर हम लिखेंगे, हम यहाँ पे डॉलर साइन का यूज़ करेंगे, डॉलर के बाद कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूंगा एक्स वेरिएबल का यूज़ करूंगा। तो यहाँ पे भी ये क्या लिखेगा, हेलो जॉन। तो इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ गया, तो अभी भी यहाँ पे हेलो ये आ गया। तो इसके लिए हमें देखना है कि ये क्यों आ गया। तो यहाँ पे जो हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम आपको इस ये वाला केस लिखना है, ऐसे लिखना है, तो इसको आपको मैजिक कोट्स में डालना पड़ेगा, आगे से मैजिक कोट्स में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल कोट्स जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मैजिक कोट्स, मैजिक कोट्स आपका एस्केप के नीचे जो होता है ना, शिफ्ट के बगैर प्रेस करना है ये, तो यहाँ पे हम मैजिक कोट प्रेस करेंगे। तो अभी हम सेव करते हैं इसको, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो अभी यहाँ पे आ गया हेलो जॉन। तो जावा स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।